त्यांना सूचित करण्यात येते की आपल्या परिसरातील अनावश्यक दुकाने, हॉटेल्स, स्पा, सलून, बार अँड रेस्टॉरंट, वडापावच्या गाड्या व इतर दुकान बंद करून रुग्णाला कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव टाळण्यास ठाणे महानगरपालिकेत सहकार्य करा. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वनकम, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस. चार दिन से मैं हाउस अरेस्ट हूँ, कहीं गया नहीं हूँ, सिर्फ राशन के लिए जा रहा हूँ और जितना कुछ लगेगा वो लेके आ रहा हूँ. आज जनता कर्फ्यू है, पूरा सन्नाटा. मॉर्निंग इससे ब्यूटीफुल मॉर्निंग मैंने कभी देखी नहीं थी. बाहर पूरा पूरा सन्नाटा छाया हुआ है. नहा धो के रेडी, अभी थोड़ा सा चाय पीने का प्रोग्राम है. जनता कर्फ्यू लग चुका है, सुबह का माहौल आपने देख लिया, पूरा सन्नाटा है. अभी भी कोई भी मेरे को दिख नहीं रहा है रोड पे, और लॉकडाउन हो गए. बस अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करने का, देखते हैं कैसे दिन जाता है. जनता कर्फ्यू है, फुल सपोर्ट है, और मैं भी चाहूँगा कि आप लोग सब लोग घर पर ही रहो और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो. और क्या, जैसे मेरे चाय बनाने की किस्से बहुत मशहूर है, मतलब मैं अच्छी चाय बनाता हूँ ऐसे लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता. परफेक्टली रेडी है, उबल रही है, आपको दिखा दो कैसी. और ये मेरी चाय उबल रही है. और चाय होने को सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट में कप में डालूंगा और सीधा ग्रुप पी जाऊंगा. और फिर सोचते बैठे बैठे क्या कर सकते हैं जनता कर्फ्यू में. सच में अच्छी चाय बनाता हूँ, खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी दिन मौका मिले तो ज़रूर पिलाऊंगा चाय, बहुत अच्छी बनी. जनता कर्फ्यू, सब लोग घर पे हैं, जनता कर्फ्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच. लेकिन मैं कभी ऐसे बैठा नहीं हूँ घर पे, और मेरे को याद है मैंने इतना टाइम अगर एक जगह पे बैठा हो मतलब पॉसिबल ही नहीं बनता. कुछ ना कुछ ट्रेक हो गया, टूर्स हो गई, या कुछ काम, मतलब मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो जॉब कर रहा हूँ, या उसी सिलसिले में किधर भाग रहा हूँ, आश्रम जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, मतलब खुद को लॉक करके बैठा हूँ. लेकिन ये चीज़ सच में अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ है.
सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और ये बीमारी आगे फैले ना, और मतलब इस चीज़ को यहीं पे हम दबा सकते हैं। और ये एक दिन का नहीं है, देखते हैं अभी कितने दिन हमें ऐसे रहना पड़ रहा है, और लेकिन लेट्स सी क्या होता है। आज शाम को 5 बजे हम बालकनी में आके उन लोगों के लिए ताली बजाएंगे जो इस दौरान इतने मेहनत से काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हमारे हॉस्पिटल स्टाफ, इन सबको तहे दिल से थैंक यू। और आज देखते हैं 5 बजे क्या होता है। हेलो दोस्तों, जनता कर्फ्यू का पहला दिन चला गया। 5 बजे एप्रिसिएशन क्लैप था, हम लोगों ने बहुत नॉइज़ किया, इतना मज़ा आ रहा था कि वो दिल से आ रहा था कि इनको अप्रिशिएट किया जाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच जो कोई हमें इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। हम लोग भी जा नहीं सकते, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जाना नहीं चाहिए। मैंने अभी देखा बहुत सारे जन नीचे भी थे, तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि यार इनको नहीं जाना चाहिए नीचे। मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था कि लोग बाहर आके क्लैप कर रहे, थाली बजा रहे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं था बाहर आके, मतलब पूरा दिन वेस्ट हो गया। मतलब पूरा दिन हम लोग ने अच्छे से हम लोग ने कर्फ्यू फॉलो किया, और एंड में हम लोग ने इतना मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग था, मुझे नहीं लगता कि वो करना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं आने वाले समय में क्या। अभी भी एक मेरे को न्यूज़ मिला कि एक्सटेंड हो गया है, सुबह तक कर्फ्यू चालू रखा है। तो अभी मेरे पास खाने का सामान बहुत लिमिटेड था, अभी खाने का सोर्स बढ़ा रहा हूँ। मैंने किराने वाले को कॉल किया तो वो अवेलेबल होगा सुबह, तो सुबह जाके थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे और जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें वो लेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। और इसमें अपनी भलाई है, मैं ज़्यादा कोरोना के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सबको पता है कि क्या सिचुएशन है और क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। बट मैं ये चीज़ बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये कर्फ्यू फॉलो करें, और आने वाले दिन में ये वायरस को कैसे रोक सकते हैं फैलने से, ये हमारे हाथ में। देखते हैं अभी कल का क्या सीन है, अभी 31 मार्च तक बोला गया है रुकने के लिए, अब वो कैसे चीज़ें को फॉलो करना है वो अपने ऊपर है। बट एक चीज़ मैं अपील करना चाहूँगा, अगर आप मुझे देख रहे हो, समझ रहे हो, तो मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ घर से बाहर ना निकले, जितना हो सके उतना घर पे ही रहिए, क्योंकि ये अपने लिए है। और गवर्नमेंट का कोई आदेश आने तक आप रुकिए, होल्ड कीजिए, न्यूज़ देखते रहिए, और प्लीज़ अफवाह के पीछे मत भागिए। मैंने अभी रिसेंटली अभी मैंने देखा, मैं जहाँ पे रह रहा था ऐरोली में, वहाँ पे एक केस मिला है, तो एक जन मतलब न्यूज़ पे आ रहा था एक है, और व्हाट्सएप पे आ रहा था कि 2 जन है, वो पूरा बिल्डिंग सील कर चुके हैं। तो पता नहीं क्या है, मैंने अभी घर पे कॉल करके पूछा है तो एक जन मिला है, तो पता नहीं, बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, बहुत सारे अफवाह आ रही है। तो प्लीज़ अफवाह के पीछे मत दौड़िए, सजग रहिए, फोकस रहिए, ये चीज़ अपने लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये चीज़ समझिए। ओके, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और घर से बाहर ना निकले प्लीज़। थैंक यू सो मच, अगर वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।